इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ है। फूले साहू अंबेडकर पर बयान देने के बाद हमला हुआ है, तो सियाही कर चंद्रकांत पाटिल पर हमला किया गया है। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला किया गया है। तो फूले साहू अंबेडकर पर बयान देने के बाद उन पर हमला हुआ है। सियाही कर चंद्रकांत पाटिल पर हमला किया गया है, तो पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। फूले साहू अंबेडकर पर बयान देने के बाद उन पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ है। तो ऐसी खबर पर देख के जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष मोरे जुड़ चुके हैं। संतोष, चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ है, क्या देख अपडेट? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर पुणे से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ है, और हमले के बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उन पर स्याही फेंकी गई है। तो मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत चंद्रकांत पाटिल को अपने साथ ले गए, उनका बचाव किया गया, और मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तो फूले साहू अंबेडकर पर बयान देने के बाद ये उन पर हमला हुआ। तो देख सकते हैं कि जैसे ही चंद्रकांत पाटिल बाहर आए और उन पर स्याही फेंकी गई, तो उनके साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत चंद्रकांत पाटिल को बचाव किया और अपने साथ ले गए, और स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष मोरे जुड़ चुके हैं। संतोष, चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकी गई है, क्या है पूरा मामला? उदय, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पुणे जिले में आज चंद्रकांत पाटिल जो वहाँ के गार्डन मिनिस्टर भी है, वो उनके जो कार्यक्रम थे उसके दौरान एक समता परिषद के कार्यकर्ते की ओर से उनके ऊपर शाही फेंकी गई थी, शाही हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से तुरंत पुलिस की ओर से उस कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रकांत पाटिल जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें स्वयं फूले अंबेडकर के बारे में जो बयान था उसी पर नाराजी जताते हुए ये समता परिषद के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर जो हमला किया था। लेकिन हमले के कुछ घंटे पहले ही चंद्रकांत पाटिल ने जो विवादित जो बयान दिया था उसके ऊपर उन्होंने जाहिर माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये हल्ला हुआ है। और अब उस जो बंदा है, जो कार्यकर्ता है समता परिषद का, उसको अभी पुलिस ने ताबे में लिया है। जी संतोष, ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि पिंपरी चिंचवाड़ में समता परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी हमला होने की बात सामने आ रही है। जिस प्रकार से भाजप के प्रवक्ता राम कदम ने एक बयान दिया है हमले के तुरंत बाद, कि जिस प्रकार से जो समता परिषद के कार्यकर्ता ने जो हमला किया है, उनको घर में जाके उनको उसी तरह से उत्तर दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में अब समता परिषद और भाजप के जो पदाधिकारी है, उनके बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। संतोष, स्याही फेंकने के बाद चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? जी हाँ, चंद्रकांत पाटिल ने उसके ऊपर बयान दिया है कि जो जो लोगों ने जो छुपके जो हल्ला किया है, अगर उनमें अगर कोई हिम्मत होंगी तो सामने आके वो हल्ला करे। और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कुछ बयान जो दिया होगा तो वो शाब्दिक जो बयान जो होगा तो उसी तरह से शाब्दिक बयान को शाब्दिक और प्रतिउत्तर देके ही उनका उत्तर देना चाहिए, ना कि किसी प्रकार से इस प्रकार से हल्ला करके देना चाहिए। जी संतोष, धन्यवाद आपका स्कोर पर अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि फूले साहू अंबेडकर पर बयान देने के बाद हमला किया गया है, तो स्याही कर चंद्रकांत पाटिल पर हमला किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है।